हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं जाने वाला हूँ एक नया म्यूजियम एक्सप्लोर करने, और आपको भी दिखाऊंगा कि 20वीं सेंचुरी में कैसी ट्रेन होती थी, कैसे इंजन होते थे। बेसिकली यहाँ पे सेंट पीटर्सबर्ग में एक रेलवे का म्यूजियम बना हुआ है, तो मैं उसी को देखने जाने वाला हूँ। और आपको भी दिखाऊंगा कि पुराने ज़माने में कैसी रेलें चला करती थी, स्टीम वाली, यानी कि इंजन कैसे थे और क्या क्या फैसिलिटी थी। उसका एक म्यूजियम बना हुआ है। इसके लिए पहले मेरे को जाना पड़ेगा सेंटर, और वहाँ से लूँगा मेट्रो। चौथे स्टेशन पे म्यूजियम बना हुआ है, तो चलो अपन चलते हैं। सो काफ़ी दिनों से मौसम काफ़ी शानदार बना हुआ है, पूरी धूप निकल रही है। ज़्यादातर से ज़्यादा यहाँ पे जब भी ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो 27-28 ज़्यादातर मैक्सिमम 30 तक टेम्परेचर जाता है, इससे आगे नहीं आता। जब भी इससे ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो तभी बारिश हो जाती है और फिर टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो अभी 4-5 दिन से काफ़ी अच्छी धूप है और मौसम काफ़ी अच्छा बना हुआ है। सो अभी अपन बैठते हैं बस में और बस से चलते हैं सेंटर, और वहाँ से लेंगे मेट्रो। सो अभी मैं बैठा हूँ ये बस में और बस से आ रहा हूँ सेंटर की तरफ। थोड़ा पास में ही है, मैं सोचा जल्दी चले जाएँ क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया, 12:30 बज गए हैं और इससे 5 मिनट लगेंगे और मैं सीधा मेट्रो स्टेशन पहुँच जाऊँगा। तो अभी मैं आ गया हूँ जिस सेंटर पे, ये पीछे मेरे है मॉल गैलेरिया। सो अभी अपन चलते हैं मेट्रो पे, पास में ही है, रोड क्रॉस करनी पड़ेगी। और आज टेम्परेचर है 23 डिग्री और यहाँ के हिसाब से पूरी गर्मी है, कल और बढ़ेगा, कल 28 डिग्री होगा। सो लोग काफ़ी घूम रहे हैं यहाँ पे, मतलब चहल पहल काफ़ी है। तो मेट्रो के अंदर में एंटर हो चुका हूँ, अभी जा रहे हैं नीचे क्योंकि यहाँ पे रशिया में जितने भी मेट्रो है अंडरग्राउंड है, करीबन जमीन के 200 फीट नीचे बनाई हुई, ये पहले से ही है, मतलब 200-300 साल पुरानी मेट्रो है यहाँ पे, मतलब बहुत पुरानी मेट्रो है और सब कुछ अंडरग्राउंड ही है। और पहले जब वर्ल्ड वार हुआ था तो सेंट पीटर्सबर्ग की जो पॉपुलेशन थी वो चूस से बचने के लिए यहाँ पे नीचे चुप जाया करती थी, तो तब शेल्टर के रूम में भी उस मेट्रो को यहाँ के लोगों ने यूज किया था। सो ये यहाँ पे मेट्रो का मैप दिया हुआ है, अभी अपन है यहाँ पे, अपने को जाना है यहाँ पे, 5वां स्टेशन है। सो अभी मेट्रो का वेट करते हैं, बस आने वाली है, लोग मेट्रो आ गए, अभी अपन चलते हैं, करीबन 10 मिनट लगेंगे। तो लो जी अपन पहुंच गए जिस मेट्रो पे अपने को आना था, जिस स्टेशन पे अपने को आना था। अभी जैसे अपन ऊपर से नीचे आए थे ऐसे नीचे से ऊपर जाने की बारी है, और जो यहाँ पे किराया मेट्रो और बस का सेम है। अगर आप कैश में पे करते हो तो 35 रुपये लगते हैं, और अगर कार से पे करते हो 45 रुपये लगता है, बस में भी उतना ही लगेगा और मेट्रो में भी उतना ही लगेगा। सो इस स्टेशन के बाहर साथ में गिर गए म्यूजियम का, अभी अपन चलते हैं इससे बाहर। जैसे जैसे आप सेंटर से थोड़ा दूर आते जाओगे और वैसे वैसे पॉपुलेशन भी कम होती जाएगी, जो 2-3 स्टेशन होते हैं जो सेंटर के साथ साथ, वहाँ पे आपको बहुत भीड़ मिलेगी स्टेशन पे। और जैसे ही 3-4 स्टेशन दूर तो पॉपुलेशन भी कम हो जाएगी। ये स्टेशन देखो पूरा खाली है, मतलब बहुत कम पॉपुलेशन बची है, जैसे जैसे आगे वाला स्टेशन आएगा और कम होती जाएगी। तो लो जी अब बारी है ऊपर जाने की, एक लिफ्ट है नीचे आने के लिए और एक लिफ्ट है ऊपर जाने के लिए। लो जी अपन पहुंच चुके हैं म्यूजियम के बाहर, सामने है म्यूजियम, वहां से लेंगे अपन टिकट और फिर अंदर चलेंगे, अंदर देखते हैं कौन कौन सी ट्रेनें हैं और कौन कौन से इंजन है यहाँ पे। तो अभी बारी है जी टिकट बाय करने की, अपन यहाँ से लेते हैं टिकट और फिर म्यूजियम एक्सप्लोर करेंगे। तो स्टार्टिंग में देखो
ये पहला इंजन स्टार्टिंग के गेट पे लगाया हुआ, कितना बड़ा वेल। तो ये है जी C68 मॉडल 1917 ईस्वी का ये इंजन है और 116 टन का इंजन है ये वाला, और इसकी टोटल स्पीड है 115 किलोमीटर। और पीछे इसके बोगी भी लगी हुई है, और अपन बोगी में चल के देखते हैं अंदर पहले किस टाइप की बोगी हुआ करती थी। ये देखो इस पे इसका पूरा हिस्ट्री दी है, पूरी इसका बताया हुआ है क्या क्या है। इसकी 115 किलोमीटर की स्पीड है, 120 टन का है, और 1917 में ईस्वी का है, और मॉडल है C68। सो अंदर लकड़ी की कुर्सियां लगी हुई हैं, देखो एक बोगी वो है पीछे वाली और ये सेकंड वाली है। तो ये म्यूजियम की टिकट है, ज़्यादा महंगी नहीं है, 200 रूबल की है, इससे इतने की तो अपने इंडिया में मिलती है। और जो मैन है जहाँ पे म्यूजियम है, सेकंड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा म्यूजियम हरमिताल। तो ये है जी दूसरा सेकंड इंजन, 2 सिलेंडर स्टीम इंजन है ये वाला, और 1900 सेंचुरी का इंजन है ये वाला। सेम टू सेम वैसा ही है, उधर भी स्टीम वाला इंजन है और इधर भी। यहाँ पे थोड़ी लाइटिंग थोड़ी दूसरी तरह की हुई है, तो इसलिए थोड़ा अंधेरा है यहाँ पे। तो कुछ इंजन तो थे अंदर, और अभी आया हूँ मैं बाहर। यहाँ पे खुले में देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन के इंजन खड़े हुए हैं यहाँ पे। तो ये जो इंजन खड़ा है ये 1934 का है, ये देखो इस पे पूरी इनकी हिस्ट्री भी दी हुई, 1934 का है और स्टीम इंजन है। तो जो आप मेरे पीछे ये बहुत बड़ी सी गन देख रहे हो, इसको निकोलाव ने 1934 ईस्वी में बनाया था, और अभी भी इसका लोहा इतना मजबूत लग रहा है। बेसिकली ये आर्मी, रशियन आर्मी के यूज में ये गन है। सो ये देखो ये बख्तरबंद दो बोगियां खड़ी हुई हैं, इसमें यहाँ की रशियन आर्मी जब भी युद्ध में जाती होंगी तो इसके अंदर जाती होंगी, जिससे कि कोई गोला बारूद का इस पे असर ना हो और इनका कोई नुकसान ना हो। और पीछे ये बड़ी वाली गन है। सो ये देखो मेरे को इसकी समझ नहीं आई ये क्या सिस्टम बनाया हुआ है इन्होंने। एक भाई यहाँ पे मेरे को मिला रशियन, वो बता रहा था कि अमेरिकन ने ट्राई किया इसको बनाने का, पर वो बना नहीं पाए, केवल रशियन ने ही बनाया है, पर पता नहीं है मेरे को कि है क्या, क्योंकि इसके पास कोई इसकी हिस्ट्री और कुछ इसके बारे में बताया नहीं है। तो ये वाला पार्ट अभी उन्होंने बंद कर दिया है, पता नहीं क्यों, इसको लॉक लगा है। और जो बाहर वाला है जो ओपन में ये खड़े हैं, ये खुला है और एक पार्ट उधर वाला खुला है। और ये देखो कितना प्यारा कलर है। तो मेरे पीछे जो ये है ये डीजल पावर जनरेटर है, पहले पावर बनाने के काम में ये आता था, और ये यहाँ का नहीं, रशिया का नहीं है, ये ऑस्ट्रेलिया का है, और 1960 ईस्वी का ये वाला पीला वाला पीछे जो खड़ा है। तो दोपहर के 2 बज चुके हैं और मैं अभी खाना खा के नहीं आया, तो मुझे थोड़ी लग रही थी भूख, और मैं साथ में एक अपनी प्रोटीन बार ले आया। तो अभी इसी को खाते हैं फिर अंदर चलते हैं, अंदर एक्सप्लोर करते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने स्क्रीन लगाई हुई है कि पहले कैसे रेलें चला करती थी उसके बारे में, और क्या क्या फैसिलिटीज रेलों से पहले एक शहर से दूसरे शहर में पहुँचाई जाती थी, उस सब की यहाँ पे इन्होंने डिटेल दी हुई है। तो जो ट्रेन है
ये पहले जितने भी जरूरी दस्तावेज होते थे एक जगह से दूसरे जगह ले जाने, और जितने भी लेटर होते थे फौजियों के या मतलब दूसरे फैमिली के लिए, यूज करते थे। इन्होंने ये इसको क्लोज कर दिया, इसका गेट अंदर से कुछ ऐसा उन्होंने बनाया हुआ है कि जैसे मतलब ये लेटर और जितने भी जरूरी डॉक्यूमेंट दस्तावेज हैं वो ले जाने के लिए ये वाली ट्रेन चला करती थी। तो मेरे पीछे है जी ये थर्ड क्लास बोगी, और इसमें करीबन 80 पैसेंजर इसमें बैठ सकते थे, और इसमें 4 एक्सल लगे हुए हैं। सो ये है जी एक छोटा सा रेलवे मोटर ट्रैक्टर जो कि पहले काम में आता था, जैसे कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या ट्रेन पे की पटरी का कोई काम चल रहा है तो इसको मतलब उसके आसपास इसको ले आया करते थे, और इसको बनाया था 1920 से लेके 1933 के बीच में इसको यूज़ किया गया था। बेसिकली ये बनाया गया था कि कोई छोटी चीज़ लेके जानी है या मतलब पूरी ट्रेन ना लेके जानी पड़े, और मतलब ये छोटी चीज़ से ही काम चल जाए। तो म्यूजियम अपन ने आज सारा देख लिया है, एक हिस्सा इसका बंद था तो इसलिए उसको देख नहीं पाए। उम्मीद करता हूँ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक वीडियो को लाइक करना, और जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।